हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एजुकेशन। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश का जो एक साल का करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद दो पार्ट और आएंगे, तो टोटल जो है वो तीन पार्टों में मध्य प्रदेश का एक साल का करंट अफेयर्स आपके लिए ये एक ही वीडियो में बात की जाए, तीन वीडियो में ये प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है जिसमें आपको MPSI और MPPSC और MP के जितने भी व्यापम रिलेटेड एग्जाम हैं तो सब में आपको MP का जो करंट अफेयर्स है वो आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस वीडियो देखिएगा। ओके, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ओके, तो बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए, तो पहला है जो 44वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन, ये कहाँ पे हुआ है? ये जो हुआ है छतरपुर जिले के विश्व विरासत सूची में शामिल, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, खजुराहो के मंदिर, जो किसके द्वारा? चंदेलों के द्वारा बनवाए गए थे, तो जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। इसका आयोजन मध्य प्रदेश की कला परिषद द्वारा किया जाता है। यह समारोह वर्ष 2002 से प्रारंभ किया गया था। तो ये कब से किया गया था? 2002 से। नेक्स्ट है, 5वां नदी महोत्सव संपन्न हुआ, तो ये कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश यानी होशंगाबाद में के बांद्राभान में तवा नर्मदा संगम पर 5वां नर्मदा महोत्सव संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि नितिन गडकरी थे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पशुधन संजीवनी योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ, और पशुधन संजीवनी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1962 यानी 1962 में हुई थी। इसमें घर पहुंचकर पशु उपचार और कृत्रिम गर्भधान किया जाता है। वर्तमान में इसमें मध्य प्रदेश के दो जिले देवास तथा रायसेन का चयन किया गया है। तो ये दो जिले आपको याद रखना है जो किसके? पशुधन संजीवनी योजना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, रायसेन में मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क खुला है। तो ये रायसेन के किस जिले के? गोपालपुर में मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क खुला है, जिसे 15 फरवरी 2018 से जनता के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में 2.5 लाख दुधारू पशुओं को मिली आधार जैसी पहचान संख्या, यानी मध्य प्रदेश में करीब जो 2.5 लाख पशु हैं अपनी खास पहचान है और उनके कानों पर टैग लगाकर आधार जैसी 12 अंकों की अद्वितीय पहचान प्रदान की गई। इससे पशुओं की अवैध तस्करी तथा पशुपालकों द्वारा उन्हें लावारिस छोड़ने पर रोक लगेगी। तो आपने कभी पशुओं को देखे होंगे जो स्टेशन पे या वैसे कहीं घूमते हैं, तो वहाँ पर क्या जो एक टैग लगी रहती है जो कि 12 अंकों का वहाँ पर एक पहचान होती है उसकी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भारत के 5 राज्य आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में 6,200 किलोमीटर की सड़क निर्माण के लिए ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियन विकास बैंक ने 250 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, यहाँ पर आपको एशियन डेवलपमेंट के बारे में भी यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस में है। और इसे फाउंड कब किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक को? 19 दिसंबर 1966 को। अगर आप मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो देखता है तो जहाँ पर अगर ADB की बात होती है तो वहाँ पर मैं ये हर बार बताता हूँ, क्योंकि ये जो है वो एक सदाबहार क्वेश्चन होते हैं, आपसे सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की सहायक कंपनी अब किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगी। प्रारंभ में यह ट्रायल के लिए 3 राज्यों में, कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में लॉन्च करेगी, और फिर उसके बाद सक्सेसफुली होने के बाद बाकी राज्यों में भी यह हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मंडला जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान शुभारम्भ किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर, मंडला में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार नौकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माय एमपी रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। तो कौन सा किया है, माय एमपी रोजगार पोर्टल। नेक्स्ट है, संतोकवा ह्यूमेनिटेरिया अवार्ड से केला सत्यार्थी तथा ए एस किरण कुमार को सम्मानित किया। तो ये आपको कौन सा, संतोकवा ह्यूमेनिटेरिया अवार्ड, तो ये दो लोगों को ये सम्मानित किया गया है, केला सत्यार्थी जो नोबेल प्राइज विनर है, ओके, और ए एस किरण कुमार को। नेक्स्ट है, फरवरी 2018 में मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ आकलन का प्रथम चरण शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में 5 सांसदों को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के नजमा हेपतुल्ला को दिया गया। यह पुरस्कार 2013 के लिए दिया गया, क्योंकि 2013 के बाद यह अवार्ड नहीं दिया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के 27वां नंबर के राज्यपाल का पद संभाला। यह क्या, आयरन लेडी जो गुजरात में मानी जाती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा पार्वती दोनों नदियों को जोड़ने की मंजूरी प्रदान की है। वर्ष 2016-17 के लिए तानसेन पुरस्कार पंडित उल्लास कासलकर को दिया। कौन सा, तानसेन। तानसेन का मकबरा कहाँ है दोस्तों, ग्वालियर में है, ओके। तो ये तानसेन पुरस्कार जो है वो पंडित उल्लास कासलकर को दिया गया। नेक्स्ट है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े ने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों का स्तर सखी समिति, विकास खंड स्तर पर संगिनी समिति और ग्राम स्तर पर शक्ति समिति गठित की जाएगी। कहाँ कहाँ पर, जिला स्तर पर दोस्तों कौन सा, सखी समिति, जो विकास जो ब्लॉक लेवल के होता है वहाँ पर संगिनी, और जो ग्राम लेवल पर होता है उसे बोलते हैं शक्ति समिति का गठन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 24 अप्रैल 2018 को मध्य प्रदेश के मंडला जिले में रामनगर से प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य गांव के ढांचों को मजबूत बनाना। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका ध्येय वाक्य की जो बात की जाए, सशक्त पंचायत सशक्त भारत, ओके। तो ये ग्राम स्तर पर ये शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि कल्याण अभियान के तहत मध्य प्रदेश के छतरपुर व राजगढ़ को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसके लिए, राष्ट्रीय कृषि कल्याण अभियान के तहत छतरपुर और राजगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह अभियान देश के 112 जिलों में संचालित है। नेक्स्ट है, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1 जून 2018 से 31 जुलाई तक के लिए कृषि कल्याण अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में उच्च स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। देश भर में इस प्रकार के 20 संस्थाओं को चुना गया है। नेक्स्ट है, नाबालिग से दुष्कर्म पर फांसी का प्रावधान करने वाला प्रथम राज्य बना मध्य प्रदेश, ओके। तो जो नाबालिग हैं उनका अगर बात की जाए, दुष्कर्म किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में उनके लिए फांसी का प्रावधान है। नेक्स्ट है, देश के 111 शहरों में सुरक्षा के लिहाज से सबसे महफूज शहर मध्य प्रदेश का सागर है। तो सागर जो है वो आपको याद रखना शहर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पन्ना टाइगर रिजर्व की धरोहर बन चुकी दुनिया की सबसे उम्रदराज 100 साल की हथिनी, इसका नाम क्या है, बात्सला। बात्सला, बात्सला का नाम गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज कराने का प्रयास आरंभ हो गया है। तो इनका नाम याद रखना है, कहाँ पर, ये पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि पन्ना में है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के भू राजस्व संहिता यानी संशोधन जो हुआ है अधिनियम 2018 25 सितंबर 2018 से लागू हुआ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 यानी 1959 के अधीन बने नियमों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष I.S. डांडी हैं। 19 जून 2018 को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता विधेयक 2018 को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने अटल जी की स्मृति में प्रति वर्ष 5-5 लाख रुपए की राशि के 3 राशि पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। ये किस क्षेत्र में दिया जाएंगे? साहित्य के क्षेत्र में उदीयमान कवि और मीडिया के क्षेत्र में पत्रकार को और सुशासन के लिए उत्कृष्ट अधिकारी को। तो ये 3 क्षेत्रों में दिया जाएंगे जो अटल जी की स्मृति प्रतिवर्ष 5-5 लाख रुपए राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, सुशासन के लिए उत्कृष्ट अधिकारी। अच्छा, ये तो उसी में है। नेक्स्ट है, अटल जी की स्मृति में की गई अन्य घोषणा जैसे कि भोपाल में 600 करोड़ रुपए की लागत से ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण होगा, प्रदेश के चारों श्रमोदय विद्यालय का नामकरण अटल जी के नाम पर होगा, विश्व स्तरीय हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नामकरण अटल जी के नाम पर कराने का भी प्रस्ताव भेज दिया गया है। नेक्स्ट है, डुमना एयरपोर्ट यानी जबलपुर में है जो, का नाम रानी दुर्गावती रखने का भी प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के हर जिले में 27 अगस्त 2018 से 27 सितंबर 2018 तक पर्यटन पर्व मनाया गया। तो कब से हर जिले में ये बनाया गया है पर्यटन पर्व। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 जुलाई से 31 अगस्त तक हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देश का पहला मकई महोत्सव आयोजित किया गया। कहाँ पर? छिंदवाड़ा जिले में देश का पहला मकई महोत्सव आयोजित किया गया। यहाँ पर बात की जाए तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मक्का उत्पादन जिला है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के लिए जियो रीच नाम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। तो जियो रीच यानी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को क्रियान्वयन के लिए ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, इसका नाम ही आपको रखना है जियो रीच। नेक्स्ट जो नोट है यहाँ पर देख सकते हो आप, नौहरादेवी अभयारण्य जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है, यह यहाँ पर नामीबिया यानी अफ्रीका से चीता लाने का बात चल रही है। तो ये नौहरादेवी जो है वो कहाँ पर है, ये बात की जाए तो ये जो है वो सागर में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले का आयोजन भोपाल में किया गया था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हाल ही में नरेंद्र कुमार जैन की नियुक्ति की गई है। तो ये आपको मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने पंच परमेश्वर नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया जिसमें मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों के द्वारा किए जाने वाले आय व्यय का पूरा हिसाब रखेगा और यह पोर्टल या ऐप अपनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजमाता विजय राधे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति डॉक्टर एस के राव को नियुक्त किया गया। तो ये कहाँ पर है? राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विद्यालय ये जो है वो ग्वालियर में है। तो इनके कुलपति जो है वो कौन? एस के राव को नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश कौन सा 5वां स्थान पर रहा है? नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के अनिल माधव दुबे को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के ओजोन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओजोन से संबंधित किगाली संशोधन को अंजाम तक पहुंचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही गई। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ओजोन अवार्ड से सम्मानित किया गया अनिल माधव दुबे को। नेक्स्ट है, गोहद का किला जो कहाँ पर है? भिंड में पड़ता है।
को यूनेस्को ने हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इसका निर्माण 15वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य जाट राजाओं द्वारा किया गया था। तो ये कहाँ का, गोहद का किला, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड करने किया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने नवजात शिशुओं के उचित पालन व देख रेख के लिए मिशन पालन शुरू किया। कौन सा मिशन पालना, सॉरी मिशन पालना शुरू किया। इसके तहत मध्य प्रदेश का पहला मॉडल पालना भोपाल में स्थित बालिका गृह में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश का दूसरा औद्योगिकी महाविद्यालय छिंदवाड़ा में खोला गया है, जबकि प्रथम मंदसौर में है। नेक्स्ट है, मंदसौर गोलीकांड की जांच के लिए JK जैन आयोग की गठित की गई। तो कौन सा आयोग गठित किया गया है, JK जैन आयोग गठित किया गया मंदसौर गोलीकांड की जांच के लिए। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में एशिया के सबसे बड़े ऑटो टैक्सिंग सेंटर यानी नेटैक्स का उद्घाटन किया गया। तो ये क्या, एशिया के सबसे बड़े ऑटो टेस्टिंग सेंटर, तो इसका नाम याद रखना है नेटैक्स। नेक्स्ट है, भोपाल में संपन्न हुई 28वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियन 2018 में मेजबान मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 77 पदक जीते, जिसमें 44 स्वर्ण पदक, 29 रजक और 4 कांस्य पदक हैं। तो ये दूसरे स्थान पर रही मध्य प्रदेश, जो है मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियन रहा, जबकि दूसरे स्थान पर सेना की टीम रही। तो ओवरऑल बात की है, यहाँ पर चैंपियन रहा है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार की बहुउद्देशीय परियोजना कुंडलिया डैम का निर्माण आगरा मालवा में किया जा रहा है। कौन सा, कुंडलिया डैम आगरा आगर मालवा जिले में ये किया जा रहा है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानसिक पुनर्वास केंद्र का निर्माण किया गया। कहाँ पर किया गया, भोपाल में, जो देश का पहला है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानसिक पुनर्वास केंद्र। आयकर विभाग ने केला सत्यार्थी को मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो जो इनकम विभाग है, उन्होंने ये केला सत्यार्थी को जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए। नेक्स्ट है, नई 4 तहसीलें। तो मध्य प्रदेश ने 4 नई तहसीलों की अधिसूचना के बाद अब तहसीलों की संख्या कितनी हो गई है, 373 हो गई। 4 तहसीलों के नए नाम क्या हैं, जैसे भीतपुर, भीमपुर, प्रताप पट्टन, दोनों बैतूल जिले में हैं ये, और बिलासपुर उमरिया से, और जैसी नगर सागर से। तो ये जो है नई तहसीलें बनाई गई हैं 4। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मंडला जिले में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना में बात की जाए तो इन्हें मध्य प्रदेश को देश का प्रथम पुरस्कार मिला है, जो कि किसके, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अकेले फाइटर जेट विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला अवनी चतुर्वेदी हैं, जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हैं, और उन्होंने रूस द्वारा निर्मित MiG-21 विमान उड़ाया था अकेले ही। जो फाइटर जेट है, इनका नाम है आपको रखना है अवनी चतुर्वेदी ने। नेक्स्ट है, 19 दिसंबर 2017 से 22 जनवरी 2018 के बीच एकात्म यात्रा निकाली गई। यह यात्रा उज्जैन से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक संशोधन को मजबूत करने के लिए एक भारत एक श्रेष्ठ भारत योजना के तहत नागालैंड तथा मणिपुर दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है। कौन सी ना, ये बात की जाए योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टेलीविजन अभिनेत्री दिव्यांग त्रिपाठी को
मध्य प्रदेश रत्न से सम्मानित किया गया। ओके, तो ये दिव्यांग त्रिपाठी को मध्य प्रदेश रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन अभी जो करंट में कौन है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के? कमलनाथ। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 का नया का विक्रमादित्य अलंकरण सम्मान अभिजीत भट्टाचार्य, जो कि गायक हैं, इनको दिया गया। कौन सा? विक्रमादित्य अलंकरण सम्मान। तो जो अलंकार आप देखते हो, पढ़ते हो हिंदी में, तो ये गायक से रिलेटेड है, जो कि अभिजीत भट्टाचार्य जी हैं, इनको विक्रमादित्य अलंकरण सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2018 के राष्ट्रीय गंधर्व सम्मान से श्री नीलाद्री कुमार को सम्मानित किया गया। और ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? देवास में किया जाता है, राष्ट्रीय गंधर्व सम्मान। इनका नाम को आपको नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सम्मान से दिए जाते हैं आपको एमपीपीएससी और बाकी एग्जाम में, ये पूछे ही जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार को लगातार 5वीं बार कृषि क्रमण पुरस्कार गेहूं के क्षेत्र में उत्कृष्ट उत्पादन के लिए दिया गया। यह भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा? कृषि क्रमण, जो कि 5वीं बार लगातार मिला है मध्य प्रदेश को, काफ़ी अच्छी बात है ये। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित उस्ताद लतीफ खान सम्मान 2016-17 से पंडित दया शंकर को सम्मानित किया गया। और 17-18 का सम्मान किसको मिला है? संदीप सिंह को दिया गया है। 16-17 में पंडित दया शंकर और 17-18 के लिए संदीप सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वीर भारत मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। ओके, तो आपको सीधा सीधा बस ये याद रखना है कि वीर भारत मंदिर जो है मध्य प्रदेश के भोपाल की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नवीनतम जानकारी तथा प्रशिक्षण के लिए जर्मनी की GIZ से सहयोग लिया है। और इसका कार्यक्रम का नाम आंगनवाड़ी शिक्षा रखा गया है। नेक्स्ट है कि आंगनवाड़ी जो कि आंगनवाड़ी शिक्षा रखा है। और नेक्स्ट, जो मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी पटेल ने टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की है। तो जो आनंदी पटेल जो राज्यपाल गवर्नर है मध्य प्रदेश की, तो उन्होंने टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की है। तो ओके, तो ये थे मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ओके, इसके बाद दो पार्ट और होंगे, तो ओवरऑल जो रहेगा वो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको कवर कर लिया जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आपको निश्चित ही इस यूट्यूब चैनल से एडवांटेज मिलेगा, मैं आपको भरोसा लेता रहता हूँ। ओके, तब तक लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।